चलिए नमस्कार साथियों, वापस से आज पुनः उपस्थित हुए हैं। आपकी जो क्लासेस चल रही हैं, कल से यात्रा शुरू की है, जिसमें हम भिन्न भिन्न सब्जेक्टों को कवर करते हुए एमपीपीएससी की कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं। प्री की जो आपका एग्जाम होने वाला है, जो अभी एग्जाम का नोटिफिकेशन आया है, मई में जो एग्जाम होने वाला है, उसकी हम लगभग कंप्लीट तैयारी करने वाले हैं। तो उस कंप्लीट तैयारी करने में जो हमारी चीजें चल रही हैं, उसी में दो क्लासेस आपकी अभी हुई, जिसमें आपका आयोग और पॉलिटी था। अब यहाँ पे जो मैं क्लासेस लूंगा, वो आपकी मध्य प्रदेश के इतिहास की क्लासेस लेंगे। ये जो क्लासेस है मध्य प्रदेश के इतिहास की, ये यूनिट वन जो है उसमें आपको काम आएगी। प्री का जो यूनिट वन, प्री के यूनिट वन में क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इसके संदर्भ में बहुत सारी चर्चा मैंने आपसे पहले करी। पहले 2 दिनों में वो चर्चा की, क्योंकि एक कल की क्लास, उससे पहले भी मैंने यूनिट वन पे चर्चा की थी। तो कल हमने उसके सिलेबस को समझा था, कल आगे की चीजों को समझा था, तो आज उससे हम आगे बढ़ेंगे और आज हम समझेंगे कि ये इतिहास जो मध्य प्रदेश का पढ़ेंगे, तो उस इतिहास के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, उन टॉपिक का कैसे हमें यूटिलाइजेशन करना है, ये हमें होगा। हमारे एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में क्या नहीं आएगा, सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आज से जो हम शुरू करेंगे, वो मध्य प्रदेश का इतिहास को शुरू करेंगे। तो मध्य प्रदेश के इतिहास को मैं 3 हिस्से में बांट देता हूँ। मध्य प्रदेश के इतिहास की बात हो, क्योंकि पूरी जो यूनिट है, यूनिट वन, ये एमपीपीएससी प्री के अलावा बाकी जो अदर एग्जाम है उनमें भी रिलेवेंट हो सकती है। जैसे अगर आप व्यापम का कोई एग्जाम दे रहे हैं, एसआई वगैरह दे रहे हैं, पटवारी दे रहे हैं, या अगर आप वहां पे जो वर्ग 2 3 4 जो होते हैं, 1 2 3 जो होते हैं, उनके एग्जाम भी दे रहे हैं शिक्षक वाले, तो वहां पे भी इसका यूटिलाइजेशन होगा। तो उसके लिए अगर हम देखें मध्य प्रदेश का समग्र तरीके से इतिहास, तो समग्र इतिहास में हमें मध्य प्रदेश के इतिहास को 3 हिस्सों में बांटेंगे। यहाँ पे है ना, मध्य प्रदेश के इतिहास को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। तो वो 3 हिस्से कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होता है मध्य प्रदेश के इतिहास की अगर हमें चर्चा करना हो, तो मैं मध्य प्रदेश के इतिहास को 3 हिस्सों में बांटूंगा। तो पहला हिस्सा उसमें होता है, 1 मिनट, उसमें होता है मध्य प्रदेश के इतिहास में अगर 3 हिस्सों में बांटेंगे, तो पहला हिस्सा होगा प्राचीन मध्य प्रदेश का इतिहास, एक बात। उसके बाद दूसरा हिस्सा होगा मध्यकालीन मध्य प्रदेश का इतिहास, है ना, दूसरा हिस्सा होगा उसमें मध्यकालीन मध्य प्रदेश का इतिहास, और तीसरा होगा आधुनिक मध्य प्रदेश का इतिहास। तीसरा क्या होगा, आधुनिक मध्य प्रदेश का इतिहास। तो इन 3 हिस्सों के अंतर्गत हम मध्य प्रदेश के इतिहास को पढ़ने जा रहे हैं। अब इन 3 हिस्सों में जो है, आज जो हम शुरू करेंगे वो मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास पर शुरू करेंगे। एक बात और साथ ही साथ हम ये बोल रहे हैं कि आपने पिछला जो लेक्चर है उसको नहीं देखा हो, तो एक बार उस लेक्चर को देख लेना, क्योंकि मध्य प्रदेश के इतिहास में या मध्य प्रदेश की कला संस्कृति इतिहास पूरी की पूरी यूनिट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, इसकी चर्चा मैंने पहले कर ली। तो आज मैं उस चर्चा को नहीं कर रहा हूँ, आज मैं सीधे मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास में जा रहा हूँ। और मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास को चलने से पहले या उसमें जाने से पहले, चूंकि मध्य प्रदेश एक हिस्सा है, मध्य प्रदेश एक हिस्सा है किसका, भारत का, तो पहले थोड़ा सा भारत का इतिहास समझेंगे। भारत के इतिहास में काल विभाजन को देखेंगे, भारत के इतिहास के अंदर कौन कौन से युग हुए उनको देखेंगे, उनकी रिलेवेंसी चूंकि हमारे टॉपिक से है, इसलिए थोड़ी देर के लिए आपको ये लगेगा, थोड़ी देर के लिए लगेगा, 10 15 20 मिनट के लिए, कि सर तो मध्य प्रदेश के इतिहास को पढ़ाने आए थे, अब तो ये भारत के इतिहास को पढ़ाने लगे, तो वो सोच समझ के जानबूझ के पढ़ा रहे हैं। रीजन उसके पीछे क्या है, तो आपकी थोड़ी सी समझ विकसित हो जाए। तो उस समझ को विकसित करने के लिए मध्य प्रदेश के इतिहास से पहले तो मैं इतिहास को बता रहा हूँ, और इतिहास से काल विभाजन बता रहा हूँ, फिर मैं भारत के इतिहास को बताऊंगा कि भाई भारत ने, है ना, भारतीय इतिहास में, भारतीय इतिहास में क्या क्या चीजें नई थी, क्या क्या चीजें बेहतर थी, उनको यहाँ पे हम देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज की ये यात्रा शुरू करते हैं। आप में से सभी को गुड इवनिंग, दोबारा से नमस्ते, चरण इस पर, अरे वो है, चलिए। तो केहा जी यहाँ पे बोल रहे थे कि दर्पण की यूनिट वन की जो बुक है वो पर्याप्त है, आपको और चेंज तो नहीं करना। देखिए जो हमारी दर्पण सिविल सर्विस के द्वारा पिछले बस जो बुक निकाली गई थी यूनिट वन की, अगर आपके पास वो है, नहीं भी है, आप उसको ले सकते हैं, वो अपने आप में पर्याप्त। एक बात, उसमें कुछ चीजों का अपडेशन करवाएंगे, मेन थीम उसी किताब को लेंगे, मेन थीम यहाँ पे हम उसी किताब को लेने वाले हैं, लेकिन उसमें हमेशा कंटेंट में प्रोग्रेस होती जाती है। ये आप ही देखोगे कि हथनोरा को आप 2 साल पहले कुछ दूसरे कारणों से जानते थे, इस बार आप कुछ दूसरे कारणों से जानोगे, तो ये अपडेशन होता रहता है। तो कुछ किताब में यहाँ पे अगर उस किताब को इस क्लास के साथ अपडेट कर लोगे,
इट विल बी मोर देन इनफ। मैं और यह है कि हमेशा चीजें बदलती रहती हैं, चीजें अपडेट होती रहती हैं, तो चूंकि अभी तो अपडेट एडिशन उसका आया नहीं है, तो वो किताब अपने आप में पर्याप्त है। लेकिन इस क्लास में अगर आप बैठ रहे हो तो यहाँ पे बहुत सारी नई चीजें मिलेंगी। वो जो चीजें हैं उन चीजों को आप यहाँ से ऐड करते जाइए। जैसे आज ही आप देखोगे तो जो किताब के अतिरिक्त बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा, उन चीजों को आप ऐड करना, क्योंकि किताब बनी थी तब एग्जाम का स्तर और वो था, अब एग्जाम का स्तर और आगे बढ़ा। आज से 1 साल बाद पढ़ाएंगे तो एग्जाम का स्तर अलग होगा, तो हमको भी अपने आप को इवोल्व करना पड़ता है। हमें भी चीजों को नए नए कंटेंट को लाना पड़ता है, नए नए फैक्टों को लाना पड़ता है, नई नई चीजों को लाना पड़ता है, तो वो लाए हैं। तो किताब अपने आप में पर्याप्त है, लेकिन चीजों को कुछ एडिशनल बताएंगे तो उनको आप यहां से ऐड करते जाइए। तो चलिए चलते हैं आज के इतिहास की यात्रा पे। तो सबसे पहले इतिहास की जो चर्चा हम करते हैं, है ना, सबसे पहले जो इतिहास की चर्चा करते हैं उसको हम देखें। बंद कर देना वो, है ना। सबसे पहले हम इतिहास की जो चर्चा कर रहे हैं, तो इतिहास में अगर हम देखेंगे तो इतिहास को मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा जाता है ना। ये मैं थोड़ा भारतीय इतिहास की तरफ चला गया हूँ, मुझे यहाँ पे भारतीय इतिहास की तरफ चलेगा। तो भारतीय इतिहास में हम क्या देख रहे हैं, तो भारतीय इतिहास को 3 हिस्सों में बांटते हैं, प्राग ऐतिहासिक इतिहास, आग ऐतिहासिक इतिहास और ऐतिहासिक इतिहास। ये विभाजन कैसे किया जाता है कि इतिहास का अध्ययन हम किस प्रकार से कर पाते हैं, अपने पूर्वजों को कैसे जान पाते हैं। तो पूर्वजों को जानने की 3 विधियां है ना, पूर्वजों को किस प्रकार से जान पाते हैं उस प्रकार से जानने की मेथड के आधार पर इतिहास को 3 हिस्सों में बांटते हैं। तो सामान्य रूप से इतिहास को जानने की 2 विधियां होती है। कैसे आप इतिहास को जान पाते हो, तो इतिहास को जान पाते हो एक साहित्य के माध्यम से, है ना, इतिहास को जान पाते हो एक साहित्य के माध्यम से, दूसरा पुरावशेषों के माध्यम से या पुरातात्विक, है ना, पुरावशेषों या पुरावशेष के माध्यम से, पुरावशेषों के माध्यम से हम इतिहास को जान पाते हैं। तो पुरावशेषों के माध्यम से जब हम इतिहास को जानते हैं तो उस इतिहास को जानने के लिए या पुरातात्विक जो साधन है इनको इनके आधार पर जब आप इतिहास को जानते हो तो उसके आधार पर हम यहां पर देखेंगे, है ना, उसके आधार पर हम देखेंगे कि आपका जो इतिहास है उसको कितने हिस्सों में बांट सकते हैं। तो सामान्यतः इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। जिन विधियों से हम इतिहास को जान पाते हैं उन विधियों के आधार पर 3 हिस्सों में बांटते हैं। अगर आपको इतिहास का साहित्यिक स्रोत पता हो या आपको साहित्यिक स्रोत उपलब्ध हो, उस साहित्यिक स्रोत के आधार पर आप एक तरीके से इतिहास को जान सकते हो। दूसरा, साहित्यिक स्रोत उपलब्ध नहीं है, पुरावशेष उपलब्ध है। पुरावशेष क्या है, तो ऐसे अवशेष जिनका या तो संबंध मानव से है, जिनका संबंध किससे है, मानव से है, या तो वो स्वयं मानव के अवशेष हो सकते हैं या उन मानव का उनका निर्माण किया हो या मानव ने उनका क्या करता हो, उपयोग करता हो, मानव उनका उपयोग करता हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पुरावशेष। उदाहरण के रूप में मानव के स्वयं का शरीर का कंकाल मिल गया तो हम इतिहास को जान लेंगे। मानव के द्वारा प्रयोग किए गए कोई सिक्के मिल गए तो हम इतिहास को जान लेंगे। मानव के रहने वाला कोई खंडर मिल गया, कोई भवन मिल गया, तो उससे हम इतिहास का अनुमान लगा लेंगे। तो इतिहास का अनुमान, इतिहास को कैसे जानते हैं, उसकी 2 विधियां। एक उसकी विधि है साहित्यिक विधि, जहां पे हम पढ़ के इतिहास का अध्ययन करते हैं। दूसरा, अवशेषों के माध्यम से क्या करते हैं, इतिहास का अध्ययन करते हैं। तो इस आधार पे इतिहास को जानने की 2 विधियां हैं। उनमें से किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं उसके आधार पे हम इतिहास को क्या बांटते हैं, 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक ऐसा काल, है ना, इतिहास का 3 हिस्से बांटते हैं। एक ऐसा काल जिस काल में इतिहास के जो लोग थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो उनके द्वारा कोई साहित्य, कोई रचना, कोई ग्रंथ हमारे लिए नहीं छोड़ा गया। उनके जो अवशेष थे, वो चाहे उनकी चित्रकारी हो, उनके कंकाल हो, उनके शरीर के कोई अंग हो, या उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली कोई वस्तु हमें मिलती है, तो हम उससे इतिहास को जान पाते हैं। तो वो क्या कहलाता है, प्राग ऐतिहासिक काल। सिंपल भाषा में बोलूं तो एक ऐसा काल जिसके कोई लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है, जिसके कौन क्या नहीं है, तो जिसके कोई लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है, हम केवल उसके पूरा अवशेषों के माध्यम से या उनके बाकी जो साधन है, अलिखित साधन, उनसे उस इतिहास को जान पाते हैं। तो वो क्या कहलाता, प्राग ऐतिहासिक काल। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बोलूं तो पत्थरों का काल, जिसको हम क्या बोलेंगे, पाषाण काल। आज हम पाषाण काल को ही पढ़ेंगे, तो इसका एग्जांपल क्या है, पाषाण काल, कि वहां पे पत्थर मुख्य धातु होती थी और उस पत्थर मुख्य अस्त्र था या पत्थर जीवन का महत्वपूर्ण अंग था, तो उसके आधार पर जो साक्ष्य मिले वहां से हम कुछ जान पाते। एक दूसरा हमारा होता आग ऐतिहासिक काल, कि ये लोग लिखना तो जानते थे लेकिन उन लोगों ने जो लिखा उसको आज हम नहीं पढ़ पाते। ये लोग लिखना तो जानते थे लेकिन ये लोग जो लिख रहे थे उसको हम नहीं जानते।
जानते हैं, तो वो हमारा कौन सा काल कहलाता, आगे ऐतिहासिक काल। उदाहरण के रूप में ये सिंधु घाटी के हमारे पूर्वज है ना, हमारे कौन से पूर्वज है, तो सिंधु घाटी वाले हमारे जो पुराने दादा पर्वत दादा थे वो इसमें आते आगे ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल जहां का लिखित साक्ष्य हमें उपलब्ध है, और उस लिखित साक्ष्य के आधार पे हम जानकारी जुटा के उसके बारे में जान पाते हैं। उदाहरण के लिए ऐतिहासिक काल में जितने भी ऐतिहासिक काल है, महाजनपद काल है, वैदिक काल है, या आप उसके बाद वाले कालखंडों को भी रख सकते हो, गुप्त काल है, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ऐतिहासिक कालखंड कहलाते हैं। तो हमने इतिहास को तीन हिस्सों में बांटने का प्रयास किया। पहला कि इतिहास को तीन हिस्सों में बांटा जाता है। अब इस इतिहास को जब तीन हिस्सों में बांटेंगे तो आज जो चर्चा होगी वो पाषाण काल की। पाषाण काल इस विभाजन में कहां पर ठहर रहा था, तो पाषाण काल इस विभाजन में प्राग ऐतिहासिक काल ठहर रहा था। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है मध्य प्रदेश में पाषाण काल, लेकिन उससे पहले समझेंगे कि यह पाषाण काल होता गया है। यह पाषाण काल होता गया है, तो पाषाण काल जैसे कि आपको नाम से पता है कि भाई पाषाण पत्थर जो था वो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण यहां पे प्रयोग होता था, पत्थरों के काल के नाम से जानते हैं। क्या इसका उपयोग होता था, तो देखिए पत्थर जो था वो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग था। आपको जो जीवन की तीन बुनियादी आवश्यकताएं होती है, जीवन की तीन बुनियादी आवश्यकता होती है रोटी कपड़ा मकान। कौन कौन सी आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान, बाकी सब आवश्यकता है आपकी फेसबुक ट्विटर है ना, इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी पोस्ट करना, उसको लाइक होना, ये सब इनके बाद आती है ना, ये सब क्या आती है, इसके बाद आती है बाकी सारी आवश्यकता। रोटी कपड़ा मकान के पूरे होने के बाद आप उन सब आवश्यकताओं की चिंता करते हो, ठीक है। तो वो तीन बुनियादी आवश्यकता, रोटी डेट मीन्स खाद्यान्न, रोटी डेट मीन्स खाद्यान्न, उसके बाद अगर हम देखें तो मकान डेट मीन्स आपका निवास का स्थान, और आपके जो कपड़े हैं उनके लिए पत्थर मूल साधन था। क्या था, तो मानव अभी सामान्यतः या तो पेड़ों के ऊपर रहता था, या धीरे धीरे पेड़ों से वो कहाँ उतर रहा था, पेड़ों से जमीन पे उतर रहा था, तो वो अपने रहने के लिए जो जहां पे रहता था वो रहने का स्थान क्या होता था, वो एक प्रकार से शैलाश्रय होता था। वो क्या होता था, शैलाश्रय होता था, या चट्टानों में है ना, चट्टानों में वो अपना क्या करता था, निवास करता था। तो एक बात मतलब निवास का स्थान भी क्या है, पत्थर। दूसरा क्या होगा, मानव को अपनी खाद्यान्न आवश्यकता प्राप्त करना। तो ये मत सोच लेना कि मैं पत्थर खाने की बात बोल रहा हूं, मैं जो बात बोल रहा हूं कि वो पत्थर जो था उस पत्थर को उठा के दूसरे कोई जानवर पर मारता था, वो जानवर की मृत्यु होती थी और उस जानवर को खा लेता था। शाकाहारी भी था लेकिन मांसाहारी भी मानव होता था, तो उस जानवर को मांगे खा लिया। तो इस अपनी रोटी या खाद्यान्न को प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करा, तो उसके लिए भी वो पत्थर का प्रयोग करा। साथ ही साथ हम देखें तो कपड़ा, तो कई बार जो जानवर मरा उसकी छाल को निकाल लिया और अपने तन को ढकने के लिए उसका प्रयोग कर लिया। तो यहाँ पे पत्थर जो था वो तकनीक का सबसे प्रमुख साधन था, इसलिए इस काल को हम किस नाम से जानते हैं, पाषाण काल के नाम से जानते हैं। एक बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई पाषाण काल क्यों बोलते हैं। अब भारतीय इतिहास है ना, लगभग माना जाता है कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है, पृथ्वी का जो पूरा का पूरा समय है, वो लगभग 46,000 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ, बहुत पहले की बात मानी जाती है। लेकिन जो मानव की उत्पत्ति थी, या मानव वापस से इस मतलब धरती पे आया और मानव ने अपने क्रियाकलाप चालू किए, उनके बारे में एक थ्योरी है कि लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व मानव जो था वो इस धरती पे आया और अपने क्रियाकलाप प्रारंभ की है। ये कई सारी क्रियाओं से मिलते हुए बहुत लंबी कहानी है, मैं अभी उस कहानी पे जाना नहीं चाह रहा है ना, मैं उस कहानी पे जाना नहीं चाह रहा, नहीं तो अपनी 2-3 दिन की क्लास पत्थरों के युग में घूम जाएंगे हम, पत्थरों के युग में कहेंगे। लेकिन मोटे तौर पर समझ लो कि मानव का लगभग अस्तित्व 20 लाख ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ, और उस अस्तित्व के बाद मानव लगभग 10,000 ईसा पूर्व के आसपास तक वहां पे जो रहा, मानव जो था वो मुख्य रूप से है ना, इस टाइम पीरियड में मानव जो था वो मुख्य रूप से कौन सा होता था, आखिर तक जीवन जीता रहा। मानव कैसा जीवन जीता रहा, आखिर तक जीवन जीता रहा, शिकारी जीवन जीता रहा और शैलाश्रयों में निवास करता रहा। यहाँ पे क्या जीवन जीता था, मानव जो था वो आखिर तक जीवन और शिकारी जीवन जीता रहा, और इसमें मुख्य रूप से बड़े पत्थरों का प्रयोग करता रहा। कैसे पत्थरों का प्रयोग, बड़े पत्थरों का प्रयोग करता रहा। तो ये जो था, ये जो कालखंड कहलाता है वो आपका कौन सा कालखंड कहलाता है, पूरा पाषाण काल कहलाता है। इसमें मैं अभी आगे आ रहा हूं, थोड़ी बहुत बुनियादी जानकारी के लेके इस पे हम चर्चा करेंगे। दूसरा हमारा कालखंड ये समय बदल का है। मानव के जीवन में कुछ ड्रास्टिक परिवर्तन आता है, मानव अपने आसपास पूरी चीजों को बदलते हुए देखता है। ये इस कालखंड का ज्यादातर जो हिस्सा था वो हिमयुग में बीता,
मानव जो था वो बर्फ की ढकी हुई पूरी पृथ्वी जो थी वो बर्फ से ढकी हुई थी। धीरे धीरे बर्फ की चादर हट रही थी। मानव जो था वो अपने अस्तित्व को गढ़ रहा था, मानव नई नई चीजों को सीख रहा था। तो ये जो काल था मध्य काल में मानव ने बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व किया, बहुत सारी चीजों को सीखा, वो जो काल कहलाता है वो मध्य पाषाण काल कहलाता है। और उसके बाद नव पाषाण काल कहलाता है जो लगभग 7000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व का समय था। तो ये पूरा पाषाण काल का टोटल जो समय अगर मैं इसको काउंट करूंगा तो ये केवल मात्र 19,96,000 साल का टाइम पीरियड होगा। कितने बड़े टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं, तो मैं यहां पे बात कर रहा हूं 19 लाख साल की, 19,90,000 साल की। आपका जीवन 50 से 60 साल होगा, लेकिन यहां पे बात जो हो रही वो 19 लाख साल की बात हो रही है। ये जो टाइम पीरियड कहलाता है पूरा पाषाण काल, उसके बाद का 3000 साल के टाइम पीरियड को हम मध्य पाषाण काल, और उसके बाद के 3000 साल के टाइम पीरियड को नव पाषाण काल के नाम से जानते हैं। अलग अलग इतिहासकार है, अलग अलग राइटर है, वो इसको कुछ 12,000 साल बोल देते हैं, यहाँ पे 12,000 बोल देते हैं, यहाँ पे 9,000, यहाँ पे कुछ 9,000 बोल देते हैं, यहाँ पे 5,000 बोल देते हैं। तो उससे चिंता नहीं करना है। ये क्या होगा कि समय के साथ परिवर्तन हुआ होगा कई बार। मानो अभी आगे हम जब इतिहास में जाएंगे तो एक हिस्से में परिवर्तन थोड़ा पहले हो जाता है, तो वहां पे पूरा पाषाण काल को पहले मानते हैं, कुछ हिस्से में बाद मानते हैं। उससे हमें वहां पे चीजों को नहीं जाना है, केवल रफ तरीके से हम समझ रहे हैं कि ये कालखंड था गया। अब यहाँ पे पहला हिस्सा, हमने तीन हिस्से पढ़े पूरा पाषाण काल के, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। किसके हिस्से पढ़े? पाषाण काल के। अब इसमें से हम पहले हिस्से पे चलते हैं। वो पहला हिस्सा हमारा होता है पूरा पाषाण काल, भारतीय इतिहास का सबसे लंबा कालखंड था। 20 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का समय। मैं इसको और आपके दिमाग में ये समय रहा है, इसलिए इसको सिंपल भाषा में लिख दे रहा, ये 9,90,000 साल का समय था। कितना समय था ये? 9,90,000 वर्ष का समय था, ये आपके सामने रख दे रहा है। अब इसमें मानव जो था वो ज्यादातर कहाँ निवास करता था? शिलास्तरों में, चट्टानों में निवास करता था, चट्टानों में ही अपनी चित्रकारी करता था, चट्टानों में ही जीवन जीता था। हंटिंग और गैदरिंग सोसाइटी होती थी। मानव क्या करता था? जीवों को मारता था और उनको मार के खा लेता था। जहां खाना मिला वहां पे मानव चला जाता था, आपके जैसे स्थायी निवास नहीं बनाता था। ज्यादातर जो पत्थर यूज करते थे वो कैसे पत्थर होते थे? तो बड़े बड़े पत्थरों का इसके अंदर मानव प्रयोग करता था, ये बात मैंने यहाँ पे बताई। और इसके अंदर हम देखेंगे तो इस पूरे कालखंड को भी बाद में कुछ हिस्सों में बांट देते हैं। जैसे अगर मैं इस कालखंड को बांटूं तो इसको निम्न पूरा पाषाण, इसका प्रारंभिक 1900 लाख वर्ष को बांटा। फिर बाद में हम देखें तो इसके बाद के लगभग 40,000 वर्षों को, यह बाद के लगभग 60,000 वर्षों को यहाँ पे बांटा, और फिर 30,000 वर्षों को यहाँ पे बांटा। तो इसके भी बाद में कुछ हिस्से किए गए हैं इतिहासकारों में। क्योंकि हम एमपी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें बहुत डिटेल से नहीं जाऊंगा। आपको अगर इसके बारे में डिटेल चर्चा करनी देखनी है तो इससे पहले जो अभी प्रतिदिन के बेसिस पे मेंस की क्लासेस चल रही हैं, है ना, प्रतिदिन के बेसिस पे मेंस की क्लासेस चल रही हैं, आप उन क्लासेस की वीडियो नीचे की तरफ प्लेलिस्ट बनी होगी तो उस प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। क्योंकि मैंने केवल पाषाण काल पे लगभग 2 दिन तक कंटिन्यू लेक्चर लिए हैं, पाषाण काल में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहे थे, क्या हो रहे थे, तो इनके बारे में बहुत डिटेल से वहां पे बताया। अभी मैं केवल शॉर्ट में क्विक ओवरव्यू दे रहा हूं, क्योंकि जब हम आगे बढ़े तो हमें समझ आए। अगर हम अर्तुनारा की बात करें, आदमगढ़ की बात करें, भीमबेटका की बात करें, तो हम बात किस समय की बात करें तो वो हमें पता होना चाहिए। तो ये हमने क्या बोला, पूरा पाषाण काल का विभाजन किस हिस्से में किया। आप डिटेल से एक बार उन लेक्चर को देख लेंगे तो आपकी इन चीजों को समझ आपकी बढ़ जाएगी। फिर आगे हमने क्या देखा, पूरा पाषाण काल मानव जो था वो वहां के, उसके साक्ष्य कहां कहां पे मिले? तो एक नर्मदा घाटी में इसके साक्ष्य मिले, सुहन नदी की घाटी जो है पाकिस्तान में इस हिस्से में, तो यहाँ पे इसके खाद मिले साक्ष्य मिले, बेलन नदी की घाटी में साक्ष्य मिले, डिडवाना राजस्थान में इसके साक्ष्य मिलते हैं, और नागार्जुन कोंडा के आसपास इसके साक्ष्य मिलते हैं। ये कुछ स्थान जहाँ पे रहे, जहाँ पे आपको किसके साक्ष्य मिलते रहे, जहाँ पे आपको पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं, ये बात हमने यहाँ पे देखी, है ना। तो ये हमारा पूरा पाषाण काल था। मोटे तौर पर क्या समझ आया कि भाई मानवीय इतिहास का पहला कालखंड पूरा पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। मानव अभी भी शैलाश्रम में निवास करता था, नदी घाटियों के आसपास उसके साक्ष्य मिले। मैं केवल इतनी बात बोल के इससे आगे बढ़ूंगा, मैं बहुत डिटेल में यहाँ पे नहीं जा रहा, नहीं तो फिर एमबी के इतिहास की क्लास भी बहुत लंबी चलेगी। फिर दूसरा जो काल आता है वो आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में पृथ्वी से लगभग पूरी की पूरी जो बर्फ की चादर थी वो पिघल चुकी थी। अब मानव क्या कर रहा था,
अपने आसपास को चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था। अब नई नई चीजें मानव को दिखाई देनी पड़ी थी। मानव ने कोई फल खाया होगा, उस फल को उसने क्या देखा होगा, फल का एक बीज नीचे गिरा होगा फर्टाइल भूमि पे, उस फर्टाइल भूमि पर उसने नए पेड़ को उगते हुए देखा होगा। कई सालों तक उसने चिंतन किया होगा कि ये पेड़ कैसे होगा। धीरे धीरे ऐसे पेड़ उगने से, है ना, ऐसे पेड़ उगने से क्या हुआ, उसने पेड़ उगने के बारे में उसको जानकारी लगी होगी कि पेड़ कैसे उगता है। तो इस पेड़ उगने की प्रोसेस से उसने फसल करने की प्रक्रिया को सीखने की प्रोसेस में है। मानव इसी काल में क्या देख रहा है, मानव इसी काल में देख रहा है कि जिन जानवरों को वो पत्थर मार के उनको खा जा रहा, वो सभी जानवर हिंसक नहीं है, वो सभी जानवर आक्रमणकारी नहीं है, उनमें से कुछ जानवर जो हैं वो उसके वफादार बन सकते हैं। तो मानव ने उन वफादार जानवरों को चुनना प्रारंभ किया, अपने साथ रखना प्रारंभ किया। तो इस प्रकार यहाँ पे पशुपालन की शुरुआत हुई होगी, है ना, उस कारण यहाँ पे क्या हुआ होगा, पशुपालन का शुरुआत हुई होगी। और मानव ने लगभग 40-50 लाख सालों में यह सीखा कि भाई बड़े पत्थर उठाते हैं तो बड़े पत्थर उठाने से हाथ में ज्यादा वजन लगता है, पत्थर उठा रहा है, उसी समय दूसरे जानवर ने हमला कर दिया तो मानव ने क्या सोचा कि बड़े पत्थर को नहीं उठाते हैं, छोटे पत्थर को उठाते हैं और छोटे पत्थर से किसी दूसरे जानवर को मारते हैं, है ना। और कई बार पत्थर का छोटा हिस्सा टूटा होगा, उससे भी नुकीला होगा तो वो जानवर मर गया होगा। तो इस प्रकार क्या हुआ होगा, छोटे पत्थरों का प्रयोग प्रारंभ हुआ होगा। उन छोटे पत्थरों को क्या बोला जाता, माइक्रोलिथिक बोला गया। तो यहां पे ज्यादातर बहुत छोटे छोटे से लेकिन पेने नुकीले धारदार हथियारों का प्रयोग इस कालखंड में हमें देखने को मिलता है। तो हमने देखा कि मध्य पाषाण काल में पेने नुकीले धारदार माइक्रोलिथिक का प्रयोग हुआ। इसके साक्ष्य हमको कहाँ कहाँ से मिले, तो एक साक्ष्य हमको उत्तर प्रदेश में सराय नहर नामक स्थान से, बागो से, है ना, आदमगढ़ से, भीमबेटका जैसे स्थानों से हमें इन चीजों के बारे में साक्ष्य मिलते हैं, ये बात हमने देखी। तो हमने क्या देखा, मध्य पाषाण काल का समय, तो मध्य पाषाण काल का समय मैंने 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व के जो समय है इसको मध्य पाषाण काल के समय के रूप में आपको रखा और बताया कि मध्य पाषाण काल कहाँ कहाँ पे रहा होगा। तो ये हमारी चर्चा थी। अब इसके बाद हम यहाँ पे और क्या चर्चा करेंगे, तो इसके बाद जो तीसरा हिस्सा इतिहास का आता है उसको हम बोलते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का कालखंड क्या था, तो अब मानव एक नए जीवन में प्रवेश कर रहा था। मानव की समझ का स्तर, मानव के शारीरिक क्षमताओं का स्तर, मानव का बौद्धिक स्तर बढ़ गया था। मानव क्या अब स्थायी रूप से रहने लगा था। जब उसने फसल को बोया होगा तो फसल को उगने में समय लगता है, उस उगने में समय लगने से बचाने के लिए कि कोई जानवर उसको नष्ट ना कर दे, कोई दूसरा जीव आकर उसको समाप्त ना कर दे, तो मानव ने उस फसल को बचाने के लिए, जो पहले उसने फसल को उगने को सीखा, पेड़ों को उगने को सीखा, उस फसल को बचाने के लिए मानव स्थायी रूप से किसी स्थान पर रहने लगा। मानव स्थायी रूप से क्या रहने लगा, साथ ही साथ मानव ने यहाँ पे पहिए का आविष्कार कर लिया। पहिए का आविष्कार कर लिया, तो पहले मानव एक दिन में 10 किलोमीटर चल पा रहा था, लेकिन अब पहिए को एक जो पालतू पशु बनाया था उसके माध्यम से चला रहा है, तो एक दिन में वो 50 किलोमीटर की दूरी तय चल जा रहा। तो मानव की गतिशीलता में बढ़ोतरी हुई होगी, तो किसी का यहाँ पे क्या हुआ होगा, प्रयोग पूरी तरह से प्रारंभ हुआ होगा। तो ऐसी जो कालखंड था ये पाषाण काल का नवीनतम कालखंड, 7000 से 4000 ईसा पूर्व का कालखंड, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, नवपाषाण काल के नाम से जानते हैं, तो ये कालखंड रहा होगा, ये चर्चा हमने यहाँ पे करी। अब इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद देखें तो नवपाषाण काल के कालखंड कहाँ कहाँ पे साक्ष्य मिले, तो बहुत सारे स्थान हैं, लेकिन कुछ स्थान उसमें महत्वपूर्ण है, जैसे मेहरगढ़ बलूचिस्तान में इसके साक्ष्य मिले। यहाँ से पता चलता है कि भाई ये जो यहाँ से पता चलता है कि किसी प्राचीनतम रूप पे यहाँ पे की जाती थी, लगभग 7000 साल ईसा पूर्व के आसपास यहाँ पे कृषि की जा रही थी, ये मानव को पता चला। फिर मानव को इसीलिए हम मेहरगढ़ को किस नाम से जानते हैं, तो अनाज की टोकरी के नाम से जानते हैं। मेहरगढ़ किस नाम से जाना जाता, अनाज की टोकरी के नाम से जाने जाने वाला स्थान कहलाता है, वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो ये हमने नवपाषाण काल में देखा। फिर हमने देखा कि बोझोम, फिर हमने क्या देखा कि एक स्थान था बोझोम। तो इस बोझोम में क्या हुआ, है ना, इस बोझोम में भी लोग झील के किनारे रहते थे, ये भी नवपाषाण काल के स्थल है। लगभग कब, ये कहाँ पे है, ये भी श्रीनगर के निकट है। एक गुफाकार नामक स्थान भी मिला, जिसको सामान्यतः लोग कुम्हार की गुफा बोलते हैं, वहां से मृत भांड मिले, मानव के प्रारंभिक मृत भांडों में से हमको मिले, ये भी श्रीनगर के आसपास मिले। तो कुछ केंद्र श्रीनगर में मिले, कुछ केंद्र यहाँ पे मिले। एक जो केंद्र था वो आपका चिरांद वाला केंद्र कहाँ पे मिला, आपका बिहार में एक चिरांद वाला केंद्र मिला। बिहार में कहाँ पे मिला, तो बिहार में आपको जो केंद्र मिलते हैं वो चिरांद के आसपास मिलते हैं, जहां से क्या किया गया। तो सामान्यतः जो हथियार बनाए जाते थे वो हथियार किसके बनाए जाते थे,
पत्थरों के बनाए जाते थे, लेकिन चिरान में जो हथियार मिले वो हमारे हथियार किसके मिले, है ना, वो हथियार हमें किसके मिले, तो वो जो हथियार थे चिरान, देखिए ये आपके हड्डी के हथियार थे, यहाँ से चिरान से हमें क्या मिले, तो चिरान से हमें हड्डी के हथियार मिले। और भी देखें तो दक्षिण में बहुत सारे स्थान मिले, यानी कि जिनमें पोलावरी स्थान था, नागार्जुन कोंडा था, ब्रह्मगिरी था, तो यहाँ पे भी कुछ स्थान हमें मिले जो हमें नवपाषाण काल के साक्ष्यों के रूप में जानते हैं। एमपी की हिस्ट्री में इनका रिलेवेंस नहीं है, इंडियन हिस्ट्री में हम इनको पढ़ेंगे। तो मोटे तौर पर मैंने इतिहास के कालखंडों की चर्चा आपके साथ की। अब इन इतिहासों के कालखंडों की चर्चा करने के बाद हमें मध्य प्रदेश में इसके इतिहास के साक्ष्यों को, खासकर पुरापाषाण काल के साक्ष्यों को, मध्यपाषाण काल के साक्ष्यों को और नवपाषाण काल के साक्ष्यों को खोजना चाहिए। तो मैंने आपको क्या चर्चा की, मैंने जो चर्चा की आपको सबसे पहले, अब उनको हम खोजेंगे कि भाई मानवीय इतिहास का जो पहला चरण था जिसको हम पुरापाषाण काल बोलते थे, वो लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व, है ना, 20 लाख वर्ष पूर्व से 20 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व का समय था। एक बात मैंने आपको बोली, ये आपको अब ध्यान रखना है ना, अब ध्यान रखना है क्योंकि अब यहाँ से हम एमपी की हिस्ट्री में एंटर कर रहे हैं। तो पुरापाषाण काल, फिर मैंने आपको बताया मध्य पाषाण काल, फिर मैंने आपको क्या बताया मध्य पाषाण काल। तो मध्य, अब यहां से आपको नोटिंग भी करना चाहिए, अभी मेरी स्पीड तेज थी क्योंकि केवल समझ आधारित था, अब इन चीजों को आप नोट करते जाएं, यहां से आप नोट करेंगे तो आपको मतलब थोड़ी सी स्पीड स्लो के साथ चलना चाहिए। तो ये जो समय था मध्य पाषाण काल, ये मध्य पाषाण काल का समय क्या था, तो मध्य पाषाण काल का समय था 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व का समय, कब का, 7,000 ईसा पूर्व का समय। उसके बाद आपका नवपाषाण काल, उसके बाद आपका क्या था, नवपाषाण काल, तो नवपाषाण काल का आपका 7,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व का समय, 4,000 ईसा पूर्व का समय। इनको अभी यहाँ पे आपको इतना याद होना चाहिए, इसके नोट भी होना चाहिए, इन चीजों को आपको नोट भी कर लेना चाहिए। एक बात दूसरी मैं वापस बोल रहा हूँ कि आपको अगर इनके बारे में डिटेल से जानना है तो एमपीपीएससी मेंस की जो क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पे मॉर्निंग में चलती है, उनमें पाषाण काल पे पूरा के पूरा दो डेडिकेटेड लेक्चर बनाए हैं, बहुत डिटेल से चर्चा की है, आप एक बार उन लेक्चर को देख सकते हैं। तो ये पाषाण काल को हमने यहाँ पे बताया, अब मध्य प्रदेश में ये पाषाण काल कहाँ कहाँ पे रहा, मध्य प्रदेश में कौन कौन से साक्ष्य मिले, मध्य प्रदेश से प्रश्न खासकर प्री के स्तर पे पाषाण काल में जो स्थान रहे उन स्थानों से संबंधित प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश में पाषाण काल के लोग जहाँ पे रहते थे, पाषाण काल के लोग जहाँ पे रहते थे पत्थरों की गुफाओं में और नदी घाटियों में, वो दोनों ही मध्य प्रदेश में मौजूद है। आप देखिए, है ना, पहला तो नदी घाटी, तो मध्य प्रदेश को क्या बोला जाता है, मध्य प्रदेश में नदी घाटियों की संख्या जो होगी वो काफी ज्यादा होगी क्योंकि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, नदियों का मायका कहा जाता है। क्यों कहा जाता है नदियों का मायका, क्योंकि नदियां मध्य प्रदेश से निकलती और भिन्न भिन्न जगहों पर जाती हैं, तो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। अतः मध्य प्रदेश में नदी घाटियों की संख्या ज्यादा होगी, एक बात। दूसरी बात देखें तो हमारे यहाँ पे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से स्थित कुछ पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश में मौजूद है, कौन कौन सी, तो एक तो हमने देखा विंध्य प्रदेश, है ना, एक तो हम देखते हैं यहाँ पे विंध्य पर्वत, और दूसरा आपका कौन सा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत जो थे, इन दोनों ही पर्वतों की स्थिति मध्य प्रदेश में है, तो इस कारण से मध्य प्रदेश में जो है वो पुरापाषाण काल के स्थानों की अधिकता होगी, क्योंकि एक तो नदी घाटी भी मध्य प्रदेश में स्थित है, दूसरा क्या, पर्वतीय क्षेत्र भी मध्य प्रदेश में मौजूद है, मध्य प्रदेश के मध्य हिस्से में पर्वतीय क्षेत्र मौजूद है। तो अब इसी कारण से मध्य प्रदेश में क्या होता है, इसी कारण से मध्य प्रदेश में क्या होता है कि इन स्थानों की बहुत ज्यादा बहुतायत हमें देखने को मिलता है। तो अब मध्य प्रदेश में कौन कौन से स्थान है जो पुरापाषाण काल से संबंधित और हमको मिले हैं या हमें उनके साक्ष्य मध्य प्रदेश में मिले, तो मध्य प्रदेश में जब उत्खनन करवाया गया मध्य प्रदेश के अलग अलग नदी घाटियों में, है ना, मध्य प्रदेश में अगर मैं बोलूं तो मध्य प्रदेश में जब पुरापाषाण काल की खोज चल रही थी तो मध्य प्रदेश के अलग अलग नदी घाटियों में उत्खनन करवाया गया। कुछ उत्खनन प्रारंभिक तौर पर चंबल नदी की घाटी में करवाया गया,
चंबल नदी की घाटी की बात अगर हम देखें तो सोन नदी की घाटी में भी उत्खनन करवाया गया, और सोन नदी की घाटी के साथ अगर हम देखें तो नर्मदा नदी की घाटी में भी उत्खनन करवाया गया, क्योंकि इन नदी घाटियों में इसकी पूरी संभावना थी कि मानव सभ्यता के प्रारंभिक अवशेष हमें मिल सकते हैं, इनकी संभावना थी। इन्हीं खोजों के दौरान जब उत्खनन किया जा रहा था तो एक जो भारतीय पुरातत्व भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण या ज्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपनी प्रारंभिक खोजों में अलग अलग नदी घाटियों में सर्वे कर रहे थे, तब वहां के एक भूवैज्ञानिक हुआ करते थे। क्यों हुआ करते थे? तब वहां के एक भूवैज्ञानिक हुआ करते थे। इन भूवैज्ञानिक का नाम था डॉक्टर अरुण सोनकिया। उनका क्या नाम था? अरुण सोनकिया। तो अरुण सोनकिया अपने दल के साथ, क्या नाम हुआ करता था? अरुण सोनकिया अपने दल के साथ, है ना, अपने दल के साथ जब कहाँ पहुंचते हैं? सीहोर जिले के, है ना, सीहोर जिले में पहुंचते हैं। सीहोर जिले की भी अगर मैं स्पेसिफिक तहसील बताऊं तो बुधनी तहसील। बुधनी तहसील और किस लिए प्रसिद्ध है? आप में से सभी साथी थोड़ा कमेंट करेंगे, है ना, थोड़ा सा कमेंट करेंगे कि बुधनी जो तहसील है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, है ना, बुधनी जो तहसील है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, आप लोग कमेंट करेंगे, या बुधनी किस लिए प्रसिद्ध है, आप अपने अपने कमेंट यहाँ पे करेंगे। तो डॉक्टर अरुण सोनकिया जी कहाँ पहुंचते हैं? बुधनी पहुंचते हैं, और बुधनी में वो जाते हैं, बुधनी सीहोर की क्या है, तहसील है, सीहोर जिला है। तो सीहोर जिला एक्चुअल में, ये जो सीहोर जिला है, कई सारी किताबों में ये जो फैक्ट होता है उसको होशंगाबाद दिया है। एक्चुअल में जो सीहोर और होशंगाबाद जो है वो आपके दो जिले हैं जो निकटवर्ती जिले हैं। गंगा नदी इनकी क्या, वो सॉरी नर्मदा नदी इनकी सीमा बनाती है, तो जो आपको मानव अवशेष मिला वो उत्तरी सीमा पे मिला, इसलिए इसका जिला सीहोर सही होगा, है ना। पहले अपने वो तथ्य को आप थोड़ा सा सही कर लेंगे। तो क्या हुआ कि जो भूगर्भ वैज्ञानिक थे, वो वैज्ञानिक थे, ये भूवैज्ञानिक कहाँ पहुंचते हैं? तो यहाँ पे होती है लकड़ी के खिलौने, हाँ लकड़ी के खिलौने के लिए भी यहाँ पे कास्ट शिल्प या लकड़ी के खिलौने के लिए। राधि जी का जी और पूजा जी सही बोल रहे थे। इसके अलावा एक वो जो वर्तमान मध्य प्रदेश के राजनीतिक व्यक्तित्व है, राजनीतिक व्यक्तित्व कौन? मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान। उनका भी विधानसभा क्षेत्र जो है वो बुधनी है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, उनका भी विधानसभा क्षेत्र जो है वो बुधनी है। तो वो बुधनी से क्या हुआ, है ना, और बाई चांस हमारा भी बुधनी ही है ना, बाई चांस हमारा भी वही है ना, बस तुलना मत करना, यानी कि हम भी बुधनी से ही हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ कि डॉक्टर अरुण सोनकिया जी कहाँ पे पहुंचते हैं? सीहोर जिले के बुधनी में पहुंचते हैं। तो सीहोर जिले के बुधनी में जब ये पहुंचते हैं तो वहां पे उनको क्या होता है, अपनी खुदाई अपने दल के साथ कर रहे थे। वो कब कर रहे थे? तो लगभग 5 दिसंबर, है ना, कब खुदाई की? लगभग 5 दिसंबर 1982, कब की? 5 दिसंबर 1982 को ये जब वहां पे खुदाई कर रहे थे, तो उस खुदाई में इनको एक प्रकार का मानव की खोपड़ी मिली। एक प्रकार की क्या बनी? मानव की खोपड़ी मिली। उस मानव की खोपड़ी को प्रारंभिक तौर पर तो ये माना गया, है ना, कि ये जो मानव है वो मानव क्या है, तो उसमें प्रारंभिक तौर पे माना गया कि ये कुछ वर्ष पुराना होगा। लेकिन जब उसकी पूरी तरह से रिसर्च हुई तो उसके बारे में बताया गया, उसके बारे में ये चीजें निकली कि ये मानव का जो स्केल्टन है वो लगभग कितना है, ये लगभग 70,000 वर्ष पुराना है। ये कितना है? लगभग 70,000 वर्ष पुराना है। तो ये बात यहां से पहली बार निकली। इससे पहले तक, है ना, इससे पहले तक भारतीय इतिहास में सबसे पुराना खोजा गया स्थान था वो मेहरगढ़ को मानते थे। मेहरगढ़ मात्र कितना पुराना था? वो मात्र 7,000 वर्ष पुराना था। मेहरगढ़ के खोज से पहले हड़प्पा के जो कुछ स्थान थे उनको माना जाता था, वो मुश्किल से आपको 7,000 ईसा पूर्व, मतलब 5-7,000 ईसा पूर्व तक माना जाता था कि इतने पुराने स्थान मिले। लेकिन जो स्केल्टन मिला, क्या मिला? ह्यूमन स्केल्टन या मानव की खोपड़ी मिली। उस मानव की खोपड़ी ने भारतीय इतिहास को लगभग 70,000 साल पुराना कर दिया। ये जो मानव की खोपड़ी मिली, इस मानव का नामकरण किया गया। चूंकि ये नर्मदा वैली में मिला था, इसलिए इसका जो नाम किया गया वो क्या नाम किया गया? इसका जो नाम किया गया वो नर्मदा मानव, इसका नामकरण किया गया। इस मानव को क्या नाम दिया, जिसकी ये खोपड़ी आपको यहाँ पर दिख रही है, इसको क्या नाम दिया गया? नर्मदा मानव नाम दिया गया। इस मानव को क्या नाम दिया गया? नर्मदा मानव। अब ये 70,000 वर्ष पुराना है, तो आपको मैं पूछूंगा कि किस कालखंड से हथनोरा का संबंध है? तो हथनोरा का जो संबंध होगा वो पुरापाषाण काल से संबंध है। और आप वहां पे क्या अपडेट कर लेंगे? आप वहां पे अपडेट कर लेंगे कि इस मानव को क्या नाम दिया गया? नर्मदा मानव इसको नाम दिया गया। अब ये
एक और तथ्य आपको यहाँ पे ऐड करना है कि ये जो दादाजी थे, अब तो दादाजी की उम्र में हो गई, तो इन दादाजी मतलब अरुण सोनकिया जी की जो मृत्यु हुई वो कब हुई, 2018 में डॉक्टर अरुण सोनकिया जी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई एक दुर्घटना में, इनकी क्या हो गई, एक दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई, डॉक्टर अरुण सोनकिया। अरुण सोनकिया कहाँ के भूवैज्ञानिक थे, तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के भूवैज्ञानिक थे। अब ये अरुण सोनकिया की पूरी खोजों, अरुण सोनकिया के द्वारा भारतीय इतिहास को इतने पहले पहुंचाया गया, अभी भी अमेरिका के, इंग्लैंड के कई सारे विश्वविद्यालय अरुण सोनकिया जी की जो खोज हुई थी उस पर अपनी रिसर्च कर रहे हैं, वो बता रहे हैं। पहले ये माना जाता था कि एशिया में मानव सभ्यता की शुरुआत नहीं हुई, मानव की सभ्यता की शुरुआत कहाँ पे हुई, अफ्रीका में हुई, लेकिन वो अफ्रीका से कैसे एशिया में उनके प्राथमिक अवशेष मिल गए ये बात हमें कौन बता गया, सोनकिया जी बना गए। तो सोनकिया जी भारतीय इतिहास को बहुत पहले या बहुत प्राचीन स्तर पर जाके भेज गया, तो ये हमने देखा। तो अरुण सोनकिया जी की मृत्यु कब होती है, तो इनकी मृत्यु 2018 में होती है। साथ ही साथ अरुण सोनकिया जी के द्वारा जो पूरी खोज की गई इनके संदर्भ में डॉक्टर शशिकांत भट्ट के द्वारा क्या की गई, एक किताब लिखी गई है। डॉक्टर शशिकांत भट्ट के द्वारा कौन सी की गई, यहाँ पे एक किताब लिखी गई जिसका नाम है नर्मदा वैली कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो नर्मदा वैली कल्चर एंड सिविलाइजेशन जो किताब है उसमें इसका उल्लेख मिलता है, तो ये किताब आपको महत्वपूर्ण हो जाती है कि नर्मदा वैली कल्चर और सिविलाइजेशन किसकी किताब है, तो नर्मदा वैली कल्चर एंड सिविलाइजेशन जो किताब है वो शशिकांत भट्ट जी की किताब है। किसके किताब है, तो वो शशिकांत भट्ट जी की किताब है। साथ ही साथ इनकी जो खोज थी उसका उल्लेख कुछ जगह और मिलता है। एक उनके पुत्र है जिनका नाम था सिद्धार्थ सोनकिया, इनके पुत्र है जिनका नाम है सिद्धार्थ सोनकिया, तो सिद्धार्थ सोनकिया ने भी क्या किया, अपने पिताजी के बारे में या उनकी जो खोज थी उनके संदर्भ में एक किताब लिखी है ना, किसके द्वारा लिखी गई, तो जो सिद्धार्थ सोनकिया है ना, सिद्धार्थ सोनकिया उनके द्वारा अपने पिताजी की गई खोजों के संदर्भ में एक है ना एक किताब लिखी गई जिसका नाम है सील ऑफ सोल, जिसका नाम क्या है, सील ऑफ सोल नामक किताब लिखी गई है, सील ऑफ सोल। ये सील ऑफ सोल किताब भी इस खोज के बारे में, इस अनुसंधान के बारे में हमारे सामने प्रकाश डालती है। तो कौन कौन सी किताब प्रकाश डालती है, तो शशिकांत भट्ट साहब जो बहुत बड़े जाने माने इतिहासकार है उनकी किताब नर्मदा वैली कल्चर एंड सिविलाइजेशन प्लस सील ऑफ सोल जो सिद्धार्थ सोनकिया जी के द्वारा लिखी गई वो इस पे प्रकाश डालती है, ये बात हमने देखी। साथ ही साथ आप देखो तो हथनोरा में कुछ और भी साक्ष्य मिले, हथनोरा में एक क्या साक्ष्य मिले, तो इसके साथ मतलब हम देखें तो यहाँ पे और क्या साक्ष्य मिले, तो डायनासोर के यहाँ पे हमको जीवाश्म मिले हैं। क्या मिले हैं, तो डायनासोर जो है तो उन डायनासोरों के जीवाश्म भी हमको हथनोरा में साथ में ही मिले, एक बात। साथ ही साथ ये बुधनी में जो हथनोरा है उस हथनोरा की एग्जैक्ट कौन सी जगह थी, हथनोरा तो गांव का नाम है, उसकी दो जगह दो तट है, उन तटों का नाम है धांसी तट और सूरजकुंड तट। कौन सा तट, तो धांसी तट और सूरजकुंड तट। तो ये धांसी और सूरजकुंड इन दोनों के बीच में ये अवशेष मिला था, एग्जैक्ट जगह का नाम था हथनोरा, गांव का नाम है, उस गांव के दो तटों का नाम है, नर्मदा जी के दो तटों का नाम है धांसी और सूरजकुंड। तो धांसी और सूरजकुंड तट के बीच में ये आपको क्या प्राप्त हुआ था, मानव का अवशेष प्राप्त हुआ था, ये बात हमने देखी। तो ये सारी चीजें तो थोड़ी सी क्या हो गई, पुरानी हो गई, ये सारी चीजें तो क्या हुई, थोड़ी सी पुरानी हो गई। नया अनुसंधान मतलब यहाँ पे नई जो बातें हैं वो क्या बात है, तो अगर हाँ अब यहाँ पे क्या हुआ, तो अभी लगभग 15 दिन पहले जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा घोषणा की गई है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा घोषणा की गई कि हथनोरा को जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट बनाया जाएगा। क्या घोषणा की गई है कि हथनोरा को जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट बनाया जाएगा, ये लगभग अभी दिसंबर के महीने में घोषणा की गई। तो अब ये जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट क्या होती है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो जियोलॉजिकल हेरिटेज जो साइट होती है ना, जियोलॉजिकल हेरिटेज जो साइट होती है वो ऐसी साइट होती है, जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट में अब ये जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट के संदर्भ में जियोलॉजिकल ये करंट का मुद्दा है, जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट के संदर्भ में अब यहाँ पे आपको बताने वाला हूं। तो जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट क्या होती है, तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे या जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया
के द्वारा इनकी घोषणा की जाती है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट की घोषणा की जाती है। जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट ऐसी स्थान होते हैं जो अपना विशिष्ट ऐतिहासिक महत्व रखते हैं, जो क्या रखते हैं, विशिष्ट ऐतिहासिक महत्व रखते हैं, है ना, विशिष्ट ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। जैसे यूनेस्को जो है ना, जैसे यूनेस्को जो है वो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थान देता है, यूनेस्को अपना स्थान देता है किसी स्थान को महत्वपूर्ण होने की वजह से, वैसे ही जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट का दर्जा देता है। अभी मुझे, मैं कमेंट में आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताइए कि भारत में कितनी जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट है, और दूसरा कि मध्य प्रदेश में कितनी जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट है। मैं यहाँ पे दो प्रश्न पूछ रहा हूँ कि भारत में इनकी कुल संख्या कितनी है और मध्य प्रदेश में कुल संख्या कितनी है। मध्य प्रदेश वाला तो शायद तथ्य आपने पढ़ लिया होगा, ये दोनों मुझे बताइए कि भारत में और मध्य प्रदेश में जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट की संख्या कितनी है। आप अगर बताएंगे तो ही मैं अब आगे बढ़ूंगा, क्योंकि बहुत देर से आपसे चर्चा नहीं हुई। तो आप मुझे बताइए कितनी जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट भारत में है और मध्य प्रदेश में है, है ना। इसके बारे में ये बोला गया कि ये जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट कब बना दी जाएगी, तो लगभग ये जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट मार्च तक बना के इसको परमिशन मिल जाएगी। अभी केवल घोषणा की गई है, ये बात ध्यान रखना, है ना, कई बार हमारी घोषणाएं बदल जाती है, और मध्य प्रदेश जो है वो घोषणा वीरों से भरा पड़ा हुआ है ना, मध्य प्रदेश जो है वो घोषणा वीरों से भरा पड़ा हुआ है, तो कई बार घोषणाएं बदल जाती है। एक हमारा आयोग है, प्र आयोग, और एक और हमारे वो है ना, सारे लोग क्या करते रहते हैं, केवल घोषणा पे घोषणा ही करते रहते। तो आप मुझे बताइए, कमेंट कीजिए यार, कितनी जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट है भारत में। तो कोई कमेंट नहीं कर रहा है, है क्या है, कुछ बता दो यार, तो कई बता दो। अरे जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट आप नहीं बता रहे हो, हाँ जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट, अभी कोई कमेंट नहीं आया। तो भारत में जियोलॉजिकल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी है ना, भारत में जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट की संख्या कुल 34 है, अगर ये बनती है तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 35। मध्य प्रदेश में अभी एक भी जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट नहीं है, ये यहाँ पे क्या किया, इंडिया में 35 है, मतलब इसको बनने के बाद 35 होगी, अभी 34 ही है, इसको बाद वो होगी। एक और मतलब इसमें डिस्प्यूट है कि जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट के सामान्य जो जितने भी न्यूज पेपर मैगजीन है उसमें ये तथ्य आ रहा है, अगर आप मिनिस्ट्री की वेबसाइट देखोगे, मिनिस्ट्री की वो सॉरी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट देखोगे तो उसमें 34 बता रहे हैं, और हमारे संसद में अभी कुछ उत्तर दिया था किसी मंत्री ने, उन्होंने 32 बताया था, तो दो अभी प्रस्तावित है, वो जल्दी उनको नोटिफाइड कर दिया जाएगा, संसद में मंत्री के द्वारा 32 बताया गया, आप अभी यहां पे 34 ध्यान रखेंगे, जब ये बन जाएगी तो इनकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। मध्य प्रदेश में ये पहली है, मध्य प्रदेश में एक नहीं है, चूंकि अभी बनी नहीं है इसलिए 0 बोला, जब ये बन जाएगी तो ये संख्या 35 हो जाएगी, और ये संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, जब ये बन जाएगी तब, इन्हें ठीक है, इसको ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये हमने यहां पे देखा किसके संदर्भ में यहाँ पे सारी चीजों को जाना, तो हमने मध्य प्रदेश के हथनोरा जो था, हथनोरा को बहुत डिटेल से जाना। अब तो मुझे लगता है कि आप सब हथनोरा की यात्रा पे हो आए होंगे, ठीक है। तो ये हमारा हथनोरा था, अब इसके बाद हथनोरा के संदर्भ में चीजें, अब इसके बाद हमारा अगला जो आता है वो क्या आता है, आदमगढ़। अगला जो स्थान आता है वो आता है आदमगढ़। आदमगढ़ जो है एक स्थान है जो कहाँ पे स्थित है, होशंगाबाद जिले में स्थित है, होशंगाबाद जिले में नर्मदा के तट पे। अच्छा, ये थोड़ा सा आता है तो नर्मदा के उत्तर में तो वो स्थित होगा आपका हथनोरा, जबकि आदमगढ़ नर्मदा के दक्षिण के तट पे स्थित है। आदमगढ़ की स्थिति कहाँ पे, होशंगाबाद जिले में। ये लगभग जो है आदमगढ़ वो 4 एकड़ के फैलों में, 4 एकड़ की जो मतलब लगभग 4 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तथ्य नहीं है। आदमगढ़ का जो स्थान है वो भी भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है, आप ये गुफाओं को देख रहे होंगे, है ना, ये गुफाओं को देख रहे होंगे। आदमगढ़ की जो प्रारंभिक खोज थी, आदमगढ़ की जो प्रारंभिक खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, डॉक्टर मनोरंजन घोष के द्वारा। डॉक्टर मनोरंजन घोष के द्वारा आदमगढ़ की प्रारंभिक खोज 1920 के आसपास की गई थी। सबसे पहले आपने आरबी जोशी या एमडी खरे को पढ़ा होगा, लेकिन आरबी जोशी और एमडी खरे से पहले मनोरंजन घोष ने यहाँ पे क्या की थी, खोज की थी। और इन्होंने क्या खोजा था, तो इन्होंने मूल रूप से यहाँ पे शिलाश्रयों को खोजा था। इन्होंने किस चीज खोजा था, तो इनके द्वारा यहाँ पर शिलाश्रय खोजे गए थे कि यार मानव यहाँ पे निवास करता होगा, और उन शिलाश्रयों की कुल संख्या थी 20,
उन 16 श्लोकों की संख्या कैसी थी? 20 संख्या थी। तो इन्होंने 20 शिलाश्लोक कहाँ पे? मनोरंजन घोष जी के द्वारा इसमें यहाँ पे खोजे गए। और इन 20 शिलाश्लोक में से लगभग 11 शिलाश्लोक जो थे उनपे क्या बनाई हुई थी? पेंटिंग बनी हुई थी। जैसी पेंटिंग आप कहाँ पे देखते हो? भीम बैठका में देखते हो। तो लगभग 11 शिलाश्लोक पे पेंटिंग देखी गई। तो इन्होंने बताया था कि भाई जो आदमगढ़ वाला जो स्थान है, इस स्थान पर प्राचीनतम मानव रहा करता था। इतनी बात तो डॉक्टर मनोरंजन घोष बता के चले गए थे। तो आपको ये भी ध्यान रखना कि अगर आदमगढ़ की प्रारंभिक खोज सबसे पहले आए तो डॉक्टर मनोरंजन घोष ने की, मनोरंजन घोष ने वहां पे क्या किया तो शिलाश्रयों को खोजा, जिनकी संख्या लगभग 20 थी। 20 शिलाश्रय 4 एकड़ की भूमि में फैले हुए थे और लगभग 11 शिलाश्रयों पे भिन्न भिन्न पेंटिंग बनी हुई थी। बहुत सारी पेंटिंग यहाँ पे बनी हुई थी। उसके बाद इनका वापस से अनुसंधान होता है। उसके बाद लगभग वापस से अनुसंधान होता है लगभग 1960 से लेकर 1962 के बीच में। यहाँ पे एक प्रकार से पूरी पूरी खोज हुई। उस खोज का नेतृत्व किया डॉक्टर आरबी जोशी के द्वारा और डॉक्टर एमडी खरे के द्वारा। आरबी जोशी और एमडी खरे वापस से इतिहासकार थे। ये जब वहां पे जाते हैं कहां पे? आदमगढ़। तो इनको वहां पे बहुत छोटे छोटे से उपकरण मिलते हैं, जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, ये बहुत छोटे छोटे उपकरण है। तो अब याद कीजिए मेरी यानी पहले की क्लास को, मैंने क्या बोला था कि मध्य पाषाण काल में मानव बहुत छोटे छोटे लेकिन पेने नुकीले हथियारों का प्रयोग करता था। तो ये पेने नुकीले हथियार इनको मिले, और एक दो नहीं ऐसे हथियारों की संख्या लगभग 25,000 के आसपास थे। बहुत सारे हथियार तो वहां से स्थान से मूल स्थान से हट गए, बहुत छोटे छोटे पत्थर मिले। तो उन छोटे छोटे पत्थरों को क्या बोला गया कि ये जो छोटे छोटे पत्थर थे ये किस काल के रहे होंगे? तो इससे पहले खोज हो गई थी कि मध्य पाषाण काल में मानव जो था वो छोटे पत्थरों का प्रयोग करता था। तो इनका संबंध जो जोड़ा गया वो किससे जोड़ा गया कि ये मध्य पाषाण स्थल। तो फिर ये बात से दुई कि जो आदमगढ़ है वो एक मध्य पाषाण का स्थल था, यहाँ पे मानव रहते थे। साथ ही साथ यहाँ पे जो छोटे छोटे पत्थर थे, चूंकि नर्मदा की घाटी रही होगी और उसमें बहुत सारे पत्थर मिलते हैं, तो उन पत्थरों को तोड़ा होगा और उनको नुकीला बनाया गया होगा। चाहे उन्होंने छेनी खुरचनी आदि के माध्यम से पत्थरों को पीट पीट के नुकीला बनाया गया होगा, और वो पत्थर बाद में शायद मानव एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाते होंगे, तभी तो इतने सारे पत्थर यहाँ पे छूट गए। तो इसी कारण से इसको क्या बोला गया, इसको विश्व की माइक्रोलिथिक फैक्ट्री का नाम दिया गया। आदमगढ़ को क्या नाम दिया गया? विश्व की माइक्रोलिथिक फैक्ट्री। माइक्रोलिथिक मतलब सूक्ष्म पाषाण, माइक्रोलिथिक फैक्ट्री के नाम से, माइक्रोलिथिक फैक्ट्री के नाम से इस स्थान को क्या दिया गया? नाम दिया गया। ये बात हमने किसके संदर्भ में देखी? आदमगढ़ के संदर्भ में देखी। तो ये बात विश्व की माइक्रोलिथिक फैक्ट्री की खोज किसने की? आरबी जोशी एमडी करे ने। जबकि शिलाश्रयों की खोज किसने की? मनोरंजन घोष के द्वारा किया गया। कितने माइक्रोलिथिक फैक्ट्री मिले, कितने उपकरण मिले? तो लगभग 2500 के आसपास यहाँ से वो छोटे छोटे उपकरण हमें प्राप्त हुए। ये बात साथ ही साथ यहाँ से किसी और पशुपालन के भी साक्ष्य मिलते हैं कि इस स्थान पर लोग कृषि करते होंगे, पशुपालन करते होंगे, ऐसे साक्ष्य भी हमको मिले। तो ये हमने किसको देखा? आदमगढ़ को। तो अब आप आदमगढ़ के संदर्भ में अपने कंटेंट को अपडेट कर लें और उन चीजों को यहाँ पे देखें, है ना, उन चीजों को यहाँ पे देखें कि भाई यहाँ पे क्या क्या हो रहा था। मानव के बारे में ये भी बोला जाता था कि यहाँ का जो मानव होता था वो कैसे निवास करता था, तो मानव समूह में निवास करता था। क्योंकि अगर 2500 जो उपकरण मिले हैं, ये 2500 उपकरण यार एक मानव के या दो मानव के, 10 मानव के नहीं हो सकते, बहुत सारे मानव इसके आसपास रहते होंगे। तो ये हमने किसके संदर्भ में जाना? आदमगढ़ के संदर्भ में जाना। तो ये हमारी क्या थी? आदमगढ़ की क्लास थी कि भाई आदमगढ़ के जो इतिहास थे उस आदमगढ़ के इतिहास को हमने यहाँ पे जानने का प्रयास किया। तो ये हमारी जो होती है वो क्लास, वो आज की क्लास को यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करूंगा, है ना, आज की क्लास को यहाँ पे होल्ड करेंगे। अब जो होगी वो आकाश सर की आपकी क्लास होगी, तो मेरी क्लास को होल्ड करूंगा। कल इससे जागे की यात्रा, मध्य प्रदेश में पाषाण काल के बाकी अवशेषों को ढूंढेंगे कि मध्य प्रदेश में पाषाण काल के बाकी अवशेष हमें कहाँ कहाँ से मिले। साथ ही साथ अब मध्य प्रदेश में पाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण काल पे और वैदिक काल पे कल हम पहुंचेंगे कि मध्य प्रदेश में वैदिक काल पाषाण काल में क्या क्या साक्ष्य, क्या क्या अवशेष हमें मिल रहे थे, हमें वो किस प्रकार से मार्गदर्शन करते हैं और हमारे इतिहास से जोड़ते हैं। अब जो साथी हैं वो यहाँ पे जुड़े हुए हैं,
कल से प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे। कल से प्रैक्टिस सेशन क्या कि अब आपको कल जो है वो आज की जितनी भी तथ्य थे, आज के जितने भी फैक्ट थे, उनसे पहले पूछने का प्रयास करेंगे, टू वे इंटरेक्शन रखेंगे कि आप उसमें से कितने तथ्यों को रीगेन कर पाते हैं, कितने तथ्यों को याद कर पाते हैं, कितनी चीजों को आप रिकॉल कर पाते हैं, उस पर भी कल से चर्चा करेंगे। तो आज की ये क्लास है, आज के लिए आप सभी को साथियों को धन्यवाद, कल पुनः मिलेंगे। आपके कोई डाउट हो या इन चीजों में आपको कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, साथ ही साथ बताइए कि यार क्लास कैसी लगी आपको, है ना, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। या आपको अच्छी लगी हो तो ठीक है, आपको लगता हो कि सर स्पीड ज्यादा हो रही है या कम हो रही है, हम लिख नहीं पा रहे हैं, हम नोट्स नहीं बना पा रहे, तो भी बताइए, उसके हिसाब से अपन कुछ चीजें को एड ऑन करेंगे, कुछ चीजों को हटाएंगे। तो आप बताइए, या आपको लग रहा हो सर बहुत ज्यादा पढ़ा दे रहे हो, या आपको लग रहा हो कि सर ये फैक्ट तो बताया नहीं, सभी चीजों पर आप कुछ अपनी राय बता सकते हैं। आप अपनी राय नहीं दोगे तब तक मैं जाऊंगा नहीं, ठीक है। तो बहुत अच्छी लगी सर, बहुत ही बढ़िया क्लास, चलिए धन्यवाद। राधिका जी की, हाँ जी, चलो किसी ने बता दिया, चाह रहे हैं कि मैं चला जाऊं, है ना, तो ठीक है, यानी कि धन्यवाद गुरु जी, बेस्ट है सर, चलिए बहुत अच्छी लगी, तो बहुत बढ़िया। रामू जी बढ़िया है, आप पढ़ते रहिए, केहा जी, पूजा जी, राधिका जी, सभी लोग पढ़ते रहिए, आप यहाँ पे क्लास जो है वो आकाश से कंटिन्यू करेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का, कल पुनः मिलते हैं, यानी कि थैंक यू सर, पापा की शेरनी, चलिए धन्यवाद आप सभी को। Gracias.